नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित आर्मी का एक शानदार सा 15 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे, जो आपका सारा क्वेश्चन होगा आपका प्रीवियस एग्जाम में होगा, यानी कि 10 क्वेश्चन जो आपका पिछले एग्जाम से होगा और 4-5 क्वेश्चन जो आपका नए पैटर्न पर होगा, यानी कि टोटल 15 प्रश्नों का एक शानदार सा टेस्ट होने वाला, जिसमें कम से कम आपको 12 प्लस का सही जवाब देना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना कि आपका पूरे 15 प्रश्नों का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। चलिए, बिना किस टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, इन विच ईयर डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगिन। आपको बताना है कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन है आपका 1776 ईस्वी, ऑप्शन बी 1779 ईस्वी, ऑप्शन सी 1789 ईस्वी या फिर ऑप्शन नंबर डी 1780 ईस्वी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत जो हुआ था वो आपका 1789 में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1789 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नंबर क्वेश्चन की ओर। दो नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ऑस्कर अवार्ड्स आर गिवन फॉर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ। आपको बताना कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है। आपको बताना कि ऑस्कर पुरस्कार जो होता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन है आपका सिनेमा, ऑप्शन बी चित्रकला, ऑप्शन सी शिक्षा या फिर ऑप्शन नंबर डी संस्कृति। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। और मैं आप सभी बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो देखिएगा, ऑस्कर पुरस्कार जो दिया जाता है वो आपका सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिनेमा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन नंबर क्वेश्चन की ओर। तीन नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि इन विच सिटी इज इंडिया गेट लोकेटेड। आपको बताना है कि इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई या फिर ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। क्वेश्चन ये भी अच्छा है और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा चुका है, तो जल्दी से बताइएगा कि इंडिया गेट कौन से शहर में स्थित है। तो देखिएगा, इंडिया गेट जो होता है वो आपका दिल्ली में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए दिल्ली यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया जो होता है वो आपका मुंबई में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ईडन गार्डन स्टेडियम कहां पर है, तो ईडन गार्डन स्टेडियम जो होता है वो आपका कोलकाता में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चार नंबर क्वेश्चन की ओर। चार नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है, खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। आपको बताना है कि खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। ऑप्शन है आपका हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट है, ऑप्शन सी गोल्फ है या फिर ऑप्शन नंबर डी बिलियर्ड्स। जल्दी से आपको बताना कि खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध जो होता है वो निम्नलिखित में से कौन से खेल से होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी गोल्फ लाइव चैट में बताएं, उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पाँच नंबर क्वेश्चन को। पाँच नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा कि भाषा केरल में बोली जाती है। आपको बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भाषा है जो आपका केरल राज्य में बोला जाता है। ऑप्शन है आपका मलयालम, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी गुजराती या फिर ऑप्शन नंबर डी तमिल। तो देखिएगा, मलयालम जो होता है आपका केरल प्रदेश में बोला जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मलयालम यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छह नंबर क्वेश्चन को। छह नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि नथुला पास इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपको बताना है कि नथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आपका उत्तराखंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर या फिर ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। तो देखिएगा, नथुला दर्रा जो होता है वो आपका सिक्किम में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सिक्किम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और मैं आप सभी को बता देता हूँ कि सारे क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो आपके प्रीवियस एग्जाम से लिया, और मैंने कुछ क्वेश्चन जो है मैंने कि मान लो 15 GK का है, जिसमें 12 क्वेश्चन जो आपका पिछले एग्जाम में पूछे गए और 3-4 क्वेश्चन जो है वो मैंने नए पैटर्न पर लिया था, कि आपका नए पैटर्न पर भी आपका तैयारी हो सके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना है। तो देखिएगा, सात नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच स्टेट हैज़ द हाइस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। आपको बताना है कि भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है। ऑप्शन आपका केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पंजाब या फिर ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए केरल यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यानी कि केरल जो होता है वो आपका भारत में सबसे ज्यादा उच्चतम साक्षरता वाला राज्य होता है। ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आठ नंबर क्वेश्चन की ओर। आठ नंबर क्वेश्चन आपके सामने और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्मी फोर्स इज। आपको बताना कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। ऑप्शन है आपका भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए भारत का राष्ट्रपति यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नौ नंबर क्वेश्चन की ओर। नौ नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि नेम द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस। आपको बताना कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताना है। ऑप्शन आपका राकेश शर्मा,
ऑप्शन बी नरेश शर्मा, ऑप्शन सी रवि शर्मा या फिर ऑप्शन नंबर डी राहुल शर्मा। जल्दी से बताना कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय का नाम बताना है। देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए राकेश शर्मा, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि भारत के गृह मंत्री का नाम क्या है। ऑप्शन आपका श्री राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी श्री अमित शाह, ऑप्शन सी श्री अरुण जेटली या फिर ऑप्शन नंबर डी श्री नरेंद्र मोदी। जल्दी से बताना कि भारत के गृह मंत्री का नाम क्या है। देखिएगा भारत के गृह मंत्री का नाम जो होता है वो आपका अमित शाह है। किसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अमित शाह, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है व्हेन डिड द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कम इनटू एक्सिस्टेंस। आपको बताना है कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया था। ऑप्शन आपका वर्ष 1920, ऑप्शन बी वर्ष 1921, ऑप्शन सी वर्ष 1922 या फिर ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1923। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को पूरा देखना है। यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके नए पैटर्न पर है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है टेस्ट को पूरा देना है और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका पूरे 15 प्रश्नों का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1923, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन आपका एंगल्स ने, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स ने या ऑप्शन सी ए और बी दोनों या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को दोबारा समझ करके इसका राइट आंसर जल्दी से लाइव चैट में बताना। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो, और आप लोग शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो ताकि हमें भी कोई सपोर्ट मिल सके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है और जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यानी कि एंगेस और कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज कॉल्ड द पेशेंट ऑफ यूरोप। आपको बताना है कि यूरोप का मरीज किससे कहा जाता है। ऑप्शन आपका प्रसा, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी तुर्की या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा यूरोप का मरीज जो कहा जाता है वो आपका तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग गिव द स्लोगन ऑफ वन नेशन वन लीडर। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। ऑप्शन आपका हिटलर, ऑप्शन बी मुसोलिनी, ऑप्शन सी लुई सोलावे या फिर ऑप्शन नंबर डी लेनिन। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी लेनिन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, और ये क्वेश्चन हमारा लास्ट है। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो सकते हो, वहां पर आपसे पीडीएफ मिलता है। मेरे दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि त्रिगुट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था। आपको बताना गया है कि त्रिगुट जो होता है उसका निर्माण किन देशों ने किया था। ऑप्शन आपका इटली, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी जर्मनी या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई, मतलब इनमें सभी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट होगा, यानी कि इटली ऑस्ट्रिया जर्मनी ने मिलकर के त्रिगुट का निर्माण किया था। कब किया था, तो आपका 1882 में किया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाते जाते एक एक लाइक कर देना है और कमेंट करके जल्दी से बताइए कि आपका टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके का टेस्ट में कितना क्वेश्चन से होता है। अगर आपका इस टेस्ट में 12+ का सही होता है तो मान के चलना आपका प्रिपरेशन अच्छा है, आपको इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ना है। और आपका एग्जाम की बात करें तो आपका एग्जाम होगा हो भी सकता है 29 अगस्त को और नहीं भी हो सकता। मुझे चांस है कि मान के चलो 70 या मान के चलो 60% चांस है कि आपका नहीं होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है और अपनी तैयारी को बरकरार करना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।